82nd नेशनल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन का 1 जनवरी 2023 से आगाज होगा और 15th ऑफ फरवरी तक जारी रहेगी। नेशनल इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में दुकानदारों के साथ अवाम की सहूलत के लिए तमाम तर बुनियादी सहूलतें फराहम की गई हैं। माजूरीन के लिए व्हीलचेयर का नज्म किया गया है। एग्जीबिशन के महफूज इनकाद के लिए तमाम सरकारी महकमों के ताउन इश्तराक 70 वॉलंटियर्स के साथ गैर मामूली इंतजाम अंजाम दिए गए हैं। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन 2023 के जिम्मन में मुनक्दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर सोसाइटी व सेक्रेटरी वी साईनाथ, दयाकर शास्त्री व एश्विन मार्गम ने यह बात बताई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में मजीद तफसीलात बताई, कहा कि जारिया सीजन में शॉप्स की तादाद में साबक के मुकाबले कमी करते हुए 2350 कर दिया गया है। शास्त्री ने मजीद तफसील बताई। इस दौरान उनके हमरा नुमाइश सोसाइटी के दीगर जिम्मेदारान अश्विन मार्गम, रमेश चंद्र, प्रशांत रेड्डी, टी श्रीनिवास, आदित्य मार्गम व दीगर भी मौजूद थे। Who have come here to give a curtain raiser to the 82nd Nimaish, which is being organized and being started on 1st of January up to 15th of February. I welcome you all for today's press meet. Bully. Yeah. अभी आप जो देख रहे हैं भैयास व एजुकेशन नुमाइश जो शुरू होने वाला है 1 जनवरी को, हमें बहुत ही उसकी तेज़ी से काम आगे बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं स्टॉल कंस्ट्रक्शन का एक्टिविटी कम से कम 90% का ख़त्म हो चुका है। स्टॉल अलॉटमेंट एक्टिविटी भी ख़त्म हो गया है। ये देख सक रहे हैं कि हम ये इस बार लेआउट बहुत ही अनोखी तरीके से हमने एस्टैब्लिश किया है। आप ये हमारी कोशिश है कि जो भी कोने में जो भी स्टॉल है या कहीं भी है, कहीं अंधेरा ना छाए और हर तरह इसको लाइटिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया है। आप अगर शाम के टाइम में इसके देखेंगे कि अनोखे तरीके से हमको इसको सज दिया है और ढक दिया है और इस बार ब्लैक टॉपिंग और टाइलिंग भी हो चुका है और लोगों के सहूलत के लिए घूम फिरने के लिए बैठने के लिए हमने सारे इंतज़ाम किए हैं और अपने लोगों के लिए अफोर्डेबल मेडिकल चेकअप के लिए यशोदा के तरफ से और हम उससे उनसे हाथ मिलाते हुए हमने एक क्लिनिक एस्टैब्लिश किया है जो अपने अफोर्डेबल रेट्स में सारे जो चेकअप्स हैं वो कर ले सकते हैं। और ये आप 2 साल से ये वाईफाई सिस्टम की जो हमारे को संकट हो रहा था, हम उसके दूर करने के लिए BSNL से हाथ मिला के हमने उसको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जो कनेक्टिविटी सारे हों और जो भी विजिटर्स हैं अपने कम्युनिकेशन के लिए और अपने स्टॉल होल्डर्स के अपने कारोबार करने के में कोई दिक्कत ना हो। पार्किंग के लिए हमने सहूलत अपने गगन विहार, चंद्र विहार और हाउसिंग बोर्ड और आबकारी भवन में हमने फ्री पार्किंग किया है। अपने DCP के आदेश के द्वारा हमने उसको फ्री कर दिया है। चार्ज करते हैं सर? नहीं, हमने इस बार हमने 70 सिबंदी को हमने कायम किया उस जगह पे ताकि उस पार्किंग का सरफरा सही तरीके से करे और वो मुफ्त में। एंटरटेनमेंट में हमारे पास पूरे कल्चरल प्रोग्राम्स अपने स्टेट डिपार्टमेंट और हमारे क्लब के तरफ से पूरे यहाँ पंडाल में होंगे और ओपन एयर थिएटर में भी होंगे। मुशायरा भी इस बार शायद टाइम से मुशायरे को रोक दिया था। लास्ट टाइम कोविड की वजह से आए नहीं, क्योंकि उसमें मुशायरे में कोई ज़्यादातर बड़े लोग थे जो आना नहीं चाहते थे, शायद ये इस बार आ जाएंगे। सर, इस बार स्टॉल्स में हाँ, टाइप के स्टॉल्स हर 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 टाइप के स्टॉल्स है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। आप एक एक दो या थाईलैंड की तरफ से आए जो उनके वेयर्स वगैरह भी और डिस्प्ले कर रहे हैं। राइट, चल।